अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं, हमारे किचन में बिरयानी बनाएंगे आज हम। तो ये बिरयानी हम पक्की यखनी की बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप नए आए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, ये 1 किलो हमने गोश्त ले लिया है। अब इसमें ये देखिए, हम 1 नींबू डाल देंगे इसमें। और इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। और फिर इसको अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से चम्मच से। तो देखिए, कुकर में हमने 1 कप तेल डाल दिया है। अब हम इसमें खड़े कुछ मसाले डाल देंगे। ये तेल हमारा हो चुका है। हम इसमें 2 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल छोटा सा, 2 दालचीनी की लकड़ी हम इसमें डाल देंगे। अब ये यहाँ पर हम प्याज डाल देंगे। 3 बड़े साइज के हमने प्याज लिया है, बारीक काट लिया। अब इसको हम अच्छी तरह से चला देंगे। अब इसको कम से कम 10-15 मिनट तक हम 10 मिनट प्याज हमारा धीमी आंच पे अच्छे से भुन चुका है। अब हम गोश्त डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए, गोश्त हम कुकर में डाल दिया हमने, और ये प्याज हमारा हो चुका था, हमने गोश्त डाल दिया है। अब ये गोश्त हम इतनी देर तक इसमें चलाएंगे, पकाएंगे इसको, जब तक इसका एक एक पानी ना सूख जाए, जल जाए। तो देखिए, ये गोश्त कितनी अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल एक एक पानी सूख गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए, पानी का एक बूंद, इसका कलर जो है डार्क इसलिए है कि हमने नींबू पहले ही मिला लिया था इसमें। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे। एक चम्मच नमक हम इसमें डालेंगे। 1/2 चम्मच मैरिनेट में डाल दिया था हमने, 1 चम्मच इसमें हमने डाल दिया नमक। अब इसको भी अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अब ये बिरयानी मसाला हम डाल देंगे। देखिए, ये हमारे चैनल पे पहले से पड़ा है, इसको देख के आप बना लीजिएगा। ये हम बिरयानी मसाला इसमें डाल देंगे। कलर देखिए कितना अच्छा आया है इसका। 1 कप दही डालेंगे। देखिए, 100 ग्राम दही है वजन में, देखिए। ये देखिए, अच्छी तरह से हमारा अदरक लहसुन भी भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। डालना तो हमको हरा धनिया, पुदीना भी है, लेकिन जब परत लगाएंगे जब डालेंगे पुदीना हरा धनिया। ये 3 टमाटर है मीडियम साइज के, जो हमने काट लिया है। और ये हरी मिर्च है 7 से 8, इसको हमने 1 मिर्च में 3 टुकड़े कर लिया। और इसको अच्छी तरह से हम, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, सीटी लगा देंगे। पानी इसलिए डालेंगे कि गोश्त जले ना, और बस हम सीटी लगा देंगे। 1 सीटी तेज आंच में लेंगे, उसके बाद 4 सीटी हम धीरी आंच में लेंगे, फिर डाल लेंगे। देखिए, यखनी हमारी तैयार है। इसमें हमने 1/2 कप पानी डाल के हमने चढ़ाया था। 5 सीटी में हमने गलाया है गोश्त को। तो गोश्त अच्छी तरह से जब गल जाता है तो बिरयानी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गोश्त हमेशा गला के ही डालिए। हमने ये भगोना चढ़ा दिया है, पानी हम रख देंगे इसमें 3 लीटर। हमने 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी है इस पानी में। 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े हमने डाल दिए इस पानी। 1/2 चम्मच नमक। चावलों को हमने 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रखा था पानी में।
और वैसे तो ये 2 घंटे 3 घंटे जितना भी भिगो लेंगे उतना ही अच्छा होगा चावल, लेकिन हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम 1 घंटे के लिए भिगोए थे। तो उबल गया है, अब हम चावल डाल देंगे इसमें। यहाँ पर हमने 1 किलो चावल का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने सेला चावल का इस्तेमाल किया है, आप बासमती चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चावल हमारे कितने अच्छी तरह से उबल रहे हैं। 80% हम यहाँ पर चावल को पका लेंगे, बाकी के 20% हम दम पर पका लेंगे। ये चावल देखिए पसा रहे हैं। ये चावल कितना अलग अलग हमारा तैयार हुआ है, कपड़े में हमने इसको छाना था। तो ये देखिए परत लगाने के लिए हम इसमें 1/2 कप तेल डालेंगे, 1 कप हमने यखनी में डाला था, 1/2 कप इसमें डालेंगे। हमारा हो गया है, अब हम 2 लौंग और 2 इलायची ये डाल देंगे। बस अब हम इसमें परत लगाएंगे। अब देखिए इसमें हम यखनी डालेंगे। क्योंकि पहले यखनी डालने से क्या होता है कि ये इसमें हमने तेल डाला है, अगर तेल इसमें ज़्यादा है, अगर पहले हम चावल डालेंगे तो चावल हमारे जो है तेल में ऐड जाएंगे, इसलिए पहले यखनी डालना है फिर बाद में चावल डालना है। यखनी डालेंगे, से कर करके हम 2-3 परत लगा लेंगे। देखिए एक परत हमने गोश्त की लगा लिया यखनी की, अब इसमें हम और चावल डालेंगे। अब ये हम हरा धनिया और पुदीना ऊपर से डालेंगे। देखिए ये देखिए बिरयानी की परत हमने अच्छे से लगा दिया है, इसमें पुदीना हरा धनिया भी ऊपर से डाल दिया है। अब इसमें फूड कलर भी डाल देंगे, फूड कलर है इसको हम डालेंगे। 1 चुटकी कलर हमने लिया है, 1/2 चम्मच पानी में घोल लिया है। टाइम पे आपको केवड़ा पसंद है तो केवड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं पसंद है केवड़ा, हम नहीं डालते हैं। गैस पर हमने दम पर लगा दिया है बिरयानी को, 20% हम यहाँ पर पकाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी से भाप बन चुकी है, ये देख लीजिए भाप बन चुकी है। अब हम गैस को धीम करके चढ़ाएंगे धीरी आंच में 5 मिनट और। हम 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमने पतीले को नीचे उतार लिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी पक के तैयार हुई है बिरयानी। अब हम बिरयानी को चला देंगे अच्छे से। तो अब हम जल्दी से पुदीने का रायता बना लेंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप दही ले लिया है 100 ग्राम। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, हमने ले लिया है देखिए 1/2 चम्मच काला नमक है, 1/2 चम्मच भुना जीरा, 1/2 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच चाट मसाला है। तो अच्छे से हम मिक्स कर देंगे दही में। से 12 पुदीने के पत्ती हैं, हम रायते में डाल देंगे, पुदीने का रायता बनाएंगे। दही को हमने पहले ही से फेंट कर कर रखा था, अब मसाले डालने के बाद फिर से फेंट लेंगे हम। रायता भी बनकर तैयार है, रायता बनकर तैयार है, अब हम बिरयानी को निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो देखिए बिरयानी देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी अच्छी है। तो अगर ये रेसिपी हमारी आप लोग को अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।